नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपका विवाह का सुखमय योग कब बनता है। ये जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा वैवाहिक जीवन। कह लो कि अगर ये जीवन सुखमय बन गया, जीवन की जो सफर है, आप जैसे रेलवे में एसी का सफर करते हैं वैसा सुख प्रदान करता है। लेकिन अगर यही वैवाहिक जीवन कष्टमय में चला जाता है तो जीवन जीने की कला से मन हट जाता है। कह लो कि सुखमय जीवन कैसे बनता है, और हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में इसका जो दो अहम रोल निभाते हैं वो हमारे दो ग्रह हैं। अगर सुखमय जीवन की बात करें, अब वैवाहिक सुख की बात करें, जब लड़कियों की शादी की बात आती है तो बृहस्पति देव की बात आती है, अगर लड़कों की बात आती है तो शुक्राचार्य शुक्रदेव की बात आती है। ये अपने दोनों अहम रोल निभाते हैं, एक देव गुरु है तो एक दानव गुरु है, और इनका जीवन में हमारे वैवाहिक जीवन में बड़ा रोल प्राप्त होता है, और इन्हीं के संयोग से कई बार कई लोगों की शादियां बहुत जल्दी हो जाती है और जीवन का सुख भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार यही शादी कई लोगों के रिश्ते तक नहीं आते, तो जीवन में बड़े उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शायद कुछ ग्रह नक्षत्रों का खेल है हमारे लाइफ में, जो इस ब्रह्मांड में स्थित हमारे जीवन में वो अपने दशा अंतरदशा में हमें फल देते हैं, उसी का फल हमें प्राप्त होता है, अपने कर्मों का भी फल यहां पर प्राप्त होता है। तो अपने हाथों पर देखें, हम जब भी शादी की बात करते हैं इसमें गुरु के पर्वत को शुभ होना बड़ा जरूरी है। किसी भी स्थिति में हो, अगर आपके गुरु के पर्वत शुभ है, शुभ का मतलब अपनी उच्च अवस्था में है, या गुरु का पर्वत आपका उठा है, मीडियम का है, तो जीवन में आपको जो सफलताएं मिलेगी, सुखमय जीवन मिलेगा, धन के वेग से सुख के वेग से, ये दोनों तरंगे आपको बताएंगे। वही है इच्छाओं को बढ़ाने वाला शुक्र, जीवन की गृहस्थी को चलाने वाला शुक्र, खाने से लेके आराम की चीजें देने वाला शुक्र आपके जीवन में सुख की वृद्धि कर देता है। विवाह की बात करें, जब भी ये हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, ये बुध का पर्वत है। ये बुध का पर्वत का अहम रोल माना जाता है, ये बुध का पर्वत। और बुध के पर्वत के ऊपर हमारे इसके नीचे बनी हुई हृदय रेखा और बुध पर्वत के बीच में जो हमारी रेखाओं का आकलन हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो 50 वर्ष का माना जाता है। हर एक इंसान की शादी होती है निश्चित है, लेकिन कब किस एज में होगी वो इस रेखाओं को देखकर आप उसकी स्थिति को आप बता सकते हैं। अगर इसी की स्थिति को देखें, ये 50 साल की स्थिति है, और 50 साल की स्थिति को अगर हम इसको सेंटर में मानते हैं इसकी स्थिति को, तो 25 वर्ष के एज में विवाह को संयोग माना जाता है। लेकिन अब सवाल है कि विवाह होगा कब। हमेशा कहते हैं ना कि अगर दो विवाह रेखा है और एक बड़ी है तो एक छोटी है, ये संयोग को बताती है, उत्साहित करती है, अंदर के वेग को प्रज्वलित करती है। कह लो कि आपके आत्मा में आपके शादी का उत्साह भर देती है। लेकिन शादी के वेग को जो बड़ी रेखा है, सफल रेखा है, उसी को आप मान सकते हैं। और कई बार शादी देखे
जीवन में कष्टमय भी बन जाता है जीवन शादी के बाद। आप देखिए ये कई बार ऐसे बी का से बन जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े दुखमय कष्टमय वैवाहिक जीवन होता है। हम कह सकते हैं उनके जीवन में ये घटनाएं घटेगी, लेकिन शादी टूटती नहीं है, ट्रेन चलेगी, अपनी स्पीड को कम करके चलेगी। और इसी तरह से अगर हम इसी विवाह रेखा के ऊपर देखें, विवाह रेखा के ऊपर देखें एक दीप सा बन जाए, ये दीप जब तक बना रहेगा उस वक्त में, उस जीवन के उस वर्ष में आपकी जब शादी होती है तो जीवन में देखिए कष्टमय बना रहेगा, सुखमय जीवन नहीं। लेकिन आपके इस दीप का असर आपके जीवन में जरूर दिखेगा, रोशनी देगा दीप वो। लेकिन जैसे जैसे आपने अपनी मन की स्थितियों को कंट्रोल किया, आप समझे अपनी बातों को और ये शादी टूटने नहीं देगी, प्रेम में थोड़ा सा अविश्वास को प्राप्त कराएगी, जीवन में कहीं ना कहीं आप डगमगाएंगे कि रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये रिश्ते को दिखाता है कि थोड़ी सी आपके मैरिज में प्रॉब्लम है और ये मैरिज आगे चल के ठीक हो रही है। आप चिंता ना करें, शादी का वैवाहिक जो जीवन का सुख है वो आपको मिलेगा और प्राप्त होगा। और इसी के साथ ये जो शादी का योग है, ये रेखा जब सन के माउंट पर पहुंच जाए, सन के माउंट पर पहुंचने का मतलब यहां पर दोनों से है, अगर ये रेखा बड़ी है और सन के माउंट के नीचे पहुंच रही है, पत्नी के हाथ में है तो पति उसका फेम वाला मिलेगा, नेम वाला मिलेगा, बड़े ओहदे वाला मिलेगा, एक रुआबदार अफसर मिलेगा, कह लो कि जीवन बड़ा सुखमय मिलेगा। अगर यही पति के हाथ में है तो पत्नी भी उसी चीज को निर्भर करती है, इसी स्थिति को उसके हाथ में दिखाता है कि पत्नी जो मिलेगी बड़ी ओहदे वाले मिलेगी, बड़ी पावर की मिलेगी, बड़ी शक्ति वाली मिलेगी। लेकिन यही शक्ति यही पावर विवाह रेखा अगर ऐसे हृदय रेखा की तरफ मुड़ जाए, इस जीवन के आपके शादी के बाद कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी, कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी जो आपको पति पत्नी के सुख में वैचारिक मतभेद की स्थिति को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपको स्थिति ऐसी कंट्रोल में बाहर हो जाती है, हमारी मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चल पाएगी और तब और अधिक समस्याएं बन जाती है जब ये टच कर जाए, ये टच कर जाए, ऐसे लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपने लाइफ से, लेकिन टूटती तब भी नहीं है, चलती है। ये जीवन की जो एक लड़ाई है लंबे वक्त तक चलती है, लेकिन चलती है। और ये सुखी जीवन तब और हो जाता है अगर यही लाइन सीधी है और इसमें किसी का ना क्रोश है, ये क्रोश आएगा तब भी आपके जीवन में संघर्ष को दिखाएंगे, वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे आपके वैचारिक, लेकिन रिश्ते नहीं टूटेंगे, डगमगाएंगे जरूर लेकिन चलते रहेंगे। और कई बार ये क्रोश की भी स्थिति आएगी, ये भी इसी चीज को निर्भर करता है। और शादी की वैवाहिक जीवन का जो असली सुख है वो मिलेगा। कई बार आपने देखा है जीवन में ये एक विवाह रेखा है और विवाह रेखा के साथ एक पैरल में रेखा चले, पैरल में ये पैरल में रेखा चलती है, ऐसी चलती है, ये पैरल में चलती है, इसको हम जरा क्लियर कर बताते हैं।
के पैरल में चले। विवाह के पहले के संबंध को बताता है ये कि वैवाहिक जीवन, वैवाहिक से पहले के आपके प्रेम संबंध को बताता है, विवाह में कन्वर्ट नहीं कराता, ये प्रेम संबंध को बताता है। लेकिन यही शादी के बाद अगर ये पैरल में रेखा चले तो विवाह के उपरांत भी ये दिखाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी का आगमन है। लेकिन सफल विवाह आप इस एज को काउंट कर सकते हैं, अगर ये हृदय रेखा के करीब आती है तो आपका विवाह का योग जो बनता वो जल्दी बन जाएगा। अगर यही विवाह रेखा जितना बुध के पर्वत की तरफ आगे की तरफ खिसकेगी उतना आपके लेट विवाह का संयोग बनाएगी। और इसी अवस्थाएं ऐसी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका विवाह किस एज में होगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।